एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, राइट? और जो भी और वीडियोस आपको चाहिए, टॉपिक्स आपको जो टफ लगते हैं, वो आप लोग चैट बॉक्स में डालते रहो, सो दैट आई गेट टू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप लोगों को इशू आ रहा है, तो मैं वो वाले टॉपिक्स ज्यादा जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी, राइट? तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो को श्योरली देख लो इस वीडियो को देखने से पहले, राइट? उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. तो उसमें सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हो रही है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, राइट? तो इसलिए वो वाला वीडियो थोड़ा लंबा भी था, तो उसको थोड़ा पेशेंटली देख लेना, अराउंड 30 मिनट्स का था, राइट? तो वो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखो, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच कनेक्टेड, ठीक है? तो आज हम लोग जो करेंगे, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो ये क्या होता है, पहले मैं क्विकली आपको एक बार समझा देता हूं. तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक बेंजीन होगा, एक एसाइल ग्रुप होगा, ये मैंने उस पिछले वीडियो में भी बताया था, और कैटलिस्ट की तरह AlCl3 होगा, लुईस एसिड, और यहां पे Cl को छोड़ के जो बाकी की चीज है वो जाके सीधा का सीधा बेंजीन से जुड़ जाएगी. तो ये बेंजीन है, और क्लोरीन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन विल अटैच विद बेंजीन, और ये कंपाउंड बन गया हमारा, ठीक है? अब जब आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, और फिर मैंने उस पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, बिकॉज कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट, और हमारी एक सिंपल सी कॉमन सेंस थियोरी है केमिस्ट्री में कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है? तो अगर एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो वो अपने आपको 2 डिग्री में कन्वर्ट या 3 डिग्री में कन्वर्ट, अगर पॉसिबिलिटी है तो कर लेगा. बट अब ये एक खास चीज है, एसाइलेशन. इसमें खास बात यह है कि इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता. अब क्यों नहीं होता है, उसके ऊपर हम डिटेल में देखते हैं, और उसके क्या फायदे हमको मिलेंगे कन्वर्जन रिएक्शंस में, वो भी हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया हुआ है, तो मैं उसका एक ग्लिम्स आपको फटाफट देता हूं. क्लोरीन के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम एक AlCl3 से लुईस एसिड, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके पास वीकेंट ऑर्बिटल्स है, तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम को दिए, इसकी वजह से क्लोरीन पे आएगा प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम पे आएगा नेगेटिव चार्ज. नाउ क्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो प्लस चार्ज को ठीक करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो एसेंशियली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. होमोलिटिक तरीके से नहीं टूटेगा, एग्जैक्टली बीच में से नहीं टूटेगा, ये वाला पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा, फिर RC डबल बॉन्ड O+ एसाइल कार्बोकेटायन, एंड साथ में जो मिलेगा AlCl4-. हमको इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ, हमको इससे मतलब है क्योंकि प्रोडक्ट ये बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन पे ये अटैक, राइट? तो यहां तक की बात तो सब क्लियर है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है. बट अब खास बात ये है कि ये जो कार्बोकेटायन है, ये रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करता? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पहले ही बहुत स्टेबल है, आप एक चीज समझो, बहुत सिंपल समझो, रीअरेंजमेंट होता क्यों, क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों बॉन्ड्स टूट रहे हैं, क्यों ये सब हो क्यों रहा? बिकॉज इन जनरल सबको एट द एंड क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल लाइफ का क्वेश्चन, आप लोग इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर क्यों देख रहे हो मुझे, राइट? उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि आपको लगता है कि अगर आप वीडियो देख लोगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, नंबर अच्छे आने से अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज से लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगी, अच्छी जॉब मिल सकती है, और एट द एंड आप स्टेबल हो जाओगे, राइट? आपको स्टेबिलिटी अचीव होगी. तो केमिस्ट्री भी ना बहुत हद तक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. हर एलिमेंट, हर कंपाउंड क्या चाहता है कि एट द एंड वो स्टेबल हो जाए. तो कार्बोकेटायन, आप कुछ भी नाम रखो, इसका इंटरमीडिएट बोलो, कुछ भी बोलो, एट द एंड इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी. पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो पहले से ही बहुत स्टेबल है, वो और स्टेबल हो ही नहीं सकता, देयर इज नो ऑप्शन, तो आंसर ये है कि वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा. फिर भाई रीअरेंजमेंट करने का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद कुछ फायदा हो रहा है तब तो रीअरेंजमेंट करेंगे. अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो फिर क्यों करेंगे रीअरेंजमेंट, राइट? सिंपल बात. तो ये जो हमारा कार्बोकेटायन है,
ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, आपको दिख रहा है स्टेबल है, मैं आपको दिखाता हूं, राइट। तो ये जो हमारा कार्बोकेटायन है इसमें ऐसा क्या स्टेबिलिटी फैक्टर है, तो आप खास बात सुनो, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मैं कुछ मैं बना भी चुका हूं, कुछ मैं बनाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड, राइट। बट एक रेजोनेंस नाम की चीज होती है, सबने सुना होगा। तो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, राइट। इनमें से एक लोन पेयर अगर इस तरीके से रेजोनेट करता है तो हमको एक नया स्ट्रक्चर मिलता है विच लुक्स लाइक दिस। ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमारा कार्बन स्टेबलाइज हो गया। तो ये जो कार्बोकेटायन है इसके साथ खास बात ये है दैट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकेटायन एसाइल कार्बोकेटायन इज ऑलरेडी वेरी स्टेबल, तो इसको कहीं भी मूव करने की, कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी स्टेबल, राइट, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये वाला कार्बन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोई आपसे पूछे है कि क्यों स्टेबिलिटी आ रही, ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा। फिर आप ये देखो कि आपने एक सिंपल सुना होगा कि जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी यूज होती है, मतलब एनर्जी कंज्यूम होती है, बट जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आप एक चीज समझो, बॉन्ड का सिंपल मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड का बनना मतलब अट्रैक्शन बढ़ गई, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर अट्रैक्शन कम होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, राइट। अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि तीन बॉन्ड बने हुए, दिख रहा है आपको ये तीन बॉन्ड, और जबकि यहां पे सिर्फ दो ही बॉन्ड बने हुए। तो आप एक सिंपल चीज समझ लो अगेन केमिस्ट्री में, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे आके रेजोनेट कर रहा है तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, एक तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नंबर टू एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, मोर द बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि भाई ये जो कार्बोकेटायन है ना ये काफी स्टेबल है, ठीक है। और अब एक और चीज, अगर मैं इसको बोलता हूं स्ट्रक्चर नंबर वन स्ट्रक्चर नंबर टू, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक कर सकता है, कार्बन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक कर सकता है। तो देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना तो मैं चूज करूंगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उस पे पॉजिटिव चार्ज रख के आप जबरदस्ती क्यों स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर, वो जो कंपाउंड नंबर टू है वो भी स्टेबल है, कंपाउंड नंबर वन भी स्टेबल है, बट कंपाउंड नंबर वन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, राइट। मतलब कंपाउंड नंबर टू में स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है बिकॉज बॉन्ड बन गया, बट ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ओ प्लस अटैक करेगा या सी प्लस, तो मैं ये बोलूंगा कि सी प्लस अटैक करेगा, बिकॉज ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट वट आई वुड लाइक टू सी इन माई कंपाउंड, राइट। तो ये ओवरऑल स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इससे फायदा ये होगा कि इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बेंजीन के साथ कराओगे इसकी रिएक्शन तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा सीधा जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा ये वाला कंपाउंड, राइट। तो आप एक चीज समझ लो, अगर आपने एल्काइलेशन किया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, बट अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किया जो कि हम अभी इस वीडियो में कर रहे हैं, तो उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट होने के बाद वाला प्रोडक्ट चाहिए फिर आप एल्काइलेशन करवाओ जो कि हमने पिछले वीडियो में किया, बट अगर आपको बिना रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप एसाइलेशन करो। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया था, राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पिछले वीडियो में, फ्रीडल क्राफ्ट के वीडियो में, तो ये क्वेश्चन ना पास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। मुझे इस बेंजीन से ये वाला कंपाउंड बनाना, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया
हाउ डू वी मेक दिस प्रोडक्ट बाय यूजिंग बंजी। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर एक काम करते हैं, हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3CH2CH2Cl और हम लोग सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट करवा देते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे ये बोला कि देखो सर क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के साथ हमारा बेंजीन सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और बेंजीन एक्चुअली इससे जुड़ जाएगा, तो आप जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि हमको चाहिए तो था कुछ और प्रोडक्ट, बट रीअरेंजमेंट की वजह से हमको मिल गया कोई और प्रोडक्ट। ये बात वो हो गई कि यार मेरी इंडस्ट्री में मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए आप उस प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट मुझे दे रहे हो, यार मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो भले ही काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि रीअरेंजमेंट इज अ गुड थिंग, बिल्कुल रीअरेंजमेंट से बेटर कार्बोकेटाइन बनता है, बट उस बेटर कार्बोकेटाइन को यूज करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मुझे अपनी इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मेरे लिए तो रीअरेंजमेंट अच्छी चीज दी हुई ना, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि रीअरेंजमेंट करके मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो अब मैं क्या करूं? तो अब इसका एक बहुत प्यारा सा आंसर, यहां पे मुझे करना पड़ेगा एसाइलेशन। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने एक कंपाउंड लिया, ये राइट, इसकी मैंने रिएक्शन कराई AlCl3 के साथ, तो हमें जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हुआ, वन सेकेंड, वो हुआ ये वाला प्रोड्यूस। अब आपने बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बताया है कि ये वाला कार्बोकेटायन खुद ही इतना स्टेबल है कि इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मैं इसको थोड़ा उल्टा तरीके से बना रहा हूं ऐसे, तो जहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो अब बेंजीन का डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, इसका पूरा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा मैकेनिज्म एक सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा, बट अभी के लिए सिंपल समझो कि ये पूरी की पूरी चीज एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये पूरी की पूरी चीज बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगी, और जिस कार्बन पे जुड़ेगी उस कार्बन पे जो ऑलरेडी हाइड्रोजन है मान लो ये, तो वो चला जाएगा, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा अभी बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3, बट अभी भी जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था वो तो नहीं मिला, राइट? तो अब एक और स्टेप है, वो स्टेप ये है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ आपने बनाया है, अगर आप इसका रिडक्शन कर दो, ऑक्सीजन को उड़ा दो और ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन लगा दो, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, विच इज यहां पे आ गया CH2 और बाकी तो CH2CH3 जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू CH2 रिडक्शन। अब लगे हाथ एक बड़ा फेमस रिएजेंट है जो रिडक्शन करता है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जिंक अमेलगम प्लस HCl। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, अगर सारे रिएजेंट्स एक साथ आप याद करने बैठोगे तो जनरली याद नहीं होते। मेरा एज ए स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस है, जब मैं खुद पढ़ाई करता था और एज ए टीचर मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10,000 से ज्यादा बच्चों को क्लासरूम कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कि सारे रिएजेंट्स एक साथ याद करने की कोशिश मत करो। फिर भी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो में बहुत सारे रिएजेंट्स एक साथ, ठीक है, बट एक एक करके एप्लीकेशन वाइज याद करोगे ना तो याद रहेगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ को अगर CH2 में कन्वर्ट करना हो तो एक बढ़िया रिएजेंट है जिंक अमेलगम HCl, और इसका एक नाम भी है। तो देखो कुछ नेम्स हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो नेम्स तो कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जिंक अमेलगम HCl के साथ जो रिडक्शन हम लोग करते हैं उसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन। ठीक है, स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाम इज इंपॉर्टेंट। क्लीमेंसन रिएक्शन बोलो या क्लीमेंसन रिडक्शन कुछ भी बोलो, बात तो राइट। तो सी डबल बॉन्ड ओ जो आया उसको हमने CH2 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो हमको मिल गया स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। अंडरस्टूड? तो अगर आप नॉर्मल CH3CH2CH2Cl लेते
और बेंजीन के साथ उसका फ्रिडल क्राफ्ट करवाते तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो आपने क्या किया, पहले आपने ये वाला रिएक्टेंट लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। एक स्टेप एक्स्ट्रा कौन सा हुआ, फिर आपने इसकी क्लीमेंसन रिडक्शन करा दी तो एट द एंड आपको वही प्रोडक्ट मिल गया। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन हो गई। तो अगर आपको फ्रिडल क्राफ्ट यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बिना रीअरेंजमेंट के आपको चाहिए और आपको शक है, आपको डाउट है कि कहीं रीअरेंजमेंट ना हो जाए, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि आप एसाइल क्लोराइड लो, COCl वाले कंपाउंड्स लो, उसको पहले बेंजीन के साथ जोड़ दो और फिर जो CO वाला ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट कर दो तो आपका काम हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी कन्वर्जन रिएक्शंस के थ्रू आपको बहुत सारे नुआंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऑर्गेनिक के पता चलेंगे। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इज कि जब एप्लीकेशन करते हुए, कन्वर्जन करते हुए छोटे छोटे पॉइंट समझ में आते हैं ना, तो इनके याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट स्टिल यू नीड टू कीप रिवाइजिंग। तो आई होप आपने इन सबके नोट्स बनाए होंगे, तो आप मेरे वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज कर करके नोट्स बनाओ, जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूं वो पॉइंट्स आप लिखो राइट, और इनको रेगुलरली रिवाइज करो। तो मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूं कि मैं इतने वीडियोस ऑर्गेनिक पे भी बनाने वाला हूं, काफी बना भी चुका हूं राइट, जिससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी और आपसे जेई मेन्स, जेई एडवांस, नीट, सीईटी, बिट सेट, इन सबके पास्ट ईयर क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे राइट। तो चलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में आप डालते रहो आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, और मैं अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस और बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।